गाइस गेमिंग के लिए Redmi K50i Dimensity 8100 चिपसेट वाला स्मार्टफोन या फिर Dimensity 8050 चिपसेट वाला Infinix GT10 Pro, दोनों ही बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है। गेमिंग हो, डे टू डे यूज हो, मल्टीटास्किंग, हैवी टास्क, दोनों ही फोन डिसअपॉइंट नहीं करने वाला आपको। दोनों का 8GB रैम वेरिएंट है मेरे पास, तो आज दोनों स्मार्टफोन का गेमिंग टेस्ट करेंगे, साथ में दोनों कितना गर्म होता है गेमिंग के टाइप में और कितना बैटरी ड्रेन होता है। साथ में दोनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट करेंगे, रैम मैनेजमेंट चेक करेंगे, बेंचमार्क, सीपीयू थ्रॉटलिंग, वीडियो रेंडरिंग और 5G नेटवर्क स्पीड भी। गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। दोनों ही स्मार्टफोन अपडेटेड है, दोनों स्मार्टफोन में जून का सिक्योरिटी पैच है, GT10 Pro 120 Hz पे एंड Redmi K50i 144 Hz पे सेट है। सबसे पहले हम दोनों स्मार्टफोन का गेमिंग टेस्ट करेंगे, BGMI खेलेंगे 30 मिनट के लिए। दोनों ही स्मार्टफोन में आप 90 FPS पे गेमिंग कर सकते हो, बट बैलेंस्ड पे एक्सट्रीम सेटिंग्स मिल जाएगा K50i में एंड GT में अल्ट्रा। HD एंड HDR पे भी आपको एक्सट्रीम सेटिंग्स मिल जाएगा Redmi K50i में एंड Redmi K50i में अल्ट्रा HD पे भी गेमिंग कर सकते हो। चलो स्मूथ 90 FPS पे 30 मिनट गेमिंग करेंगे हम, स्टार्ट करते हैं Redmi K50i से। 88% बैटरी है अभी फोन में एंड फोन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास दिख रहा है। देखते हैं 30 मिनट के बाद क्या होता है। गेमिंग के लिए Redmi K50i बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है। 8 महीने हो चुका है इस डिवाइस को एंड अभी भी स्टिल ये एकदम नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है विदाउट एनी इश्यू। कोई भी गेमिंग फोन आप उठा लो, गेमिंग के टाइम पे फोन थोड़ा गर्म होता है, नॉर्मल यूजेज पे फोन नॉर्मल ही रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम पे फोन थोड़ा हीट होता है। Redmi K50i भी गेमिंग के टाइम पे थोड़ा सा गर्म होता है एंड बैटरी ड्रेन भी थोड़ा होता है, बट अगर इसको GT10 Pro से कंपेयर करो तो कम होता है। ऐसा नहीं कि इस फोन में आपको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, 15-20 मिनट के गेमिंग के बाद ही मैंने कुछ फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह नोटिस किया है, बट ओवरऑल काफी तगड़ा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको Redmi K50i में। गाइस अगर आप Redmi K50i सेकंड हैंड लेने का सोच रहे हो तो 5-6 महीने से पुराना डिवाइस मत खरीदना। हम यूट्यूबर्स एक ही फोन को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, बट एक नॉर्मल बंदा अगर Redmi K50i गेमिंग के लिए लिया होगा तो सोचो कितना यूज किया होगा। कुछ 30-31 मिनट हो चुका है, चलो देखते हैं कितना फोन गर्म हुआ है और कितना बैटरी ड्रेन हुआ है 30 मिनट में। फोन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास था एंड अभी 40 डिग्री के आसपास दिख रहा है, यानी फोन बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। एंड बैटरी की बात करो तो 88% पे था, अभी 77% पे दिख रहा है, यानी 11% बैटरी ड्रेन हुआ है 30-31 मिनट में। गाइस GT10 Pro का बैटरी दिख रहा है 86% पे एंड फोन का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम है, 35-36 डिग्री के आसपास। चलो देखते हैं 30-31 मिनट में 90 FPS पे गेमिंग करने के बाद फोन कितना गर्म होता है और कितना बैटरी ड्रेन होता है। GT10 Pro मैंने बैंक डिस्काउंट के साथ कुछ 18,000 रुपए के आसपास में खरीदा था एंड इस प्राइस में मुझे इसका परफॉर्मेंस टोटली वर्थ लगा। बस फोन में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा ज्यादा गर्म होता है गेमिंग के टाइम पे, हेवी टास्क के टाइम पे एंड थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रेन भी होता है, बाकी परफॉर्मेंस में ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा अगर आप इसको दूसरे सेम प्राइस वाले सेम सेगमेंट वाले स्मार्टफोन से कंपेयर करो तो। बट हाँ, लंबे सेशन के गेमिंग में आपको थोड़ा ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स एंड लैग्स देखने को मिल सकता है अगर आप इसको Redmi K50i से कंपेयर करो तो, यानी गेमिंग के लिए K50i बेटर डिवाइस है, बट GT10 Pro भी बुरा नहीं है, पैसा वसूल फोन है गेमिंग के लिए। 30-31 मिनट हो चुका है, बॉडी टेम्परेचर आप चेक करते हैं GT10 Pro का, 35-36 डिग्री के आसपास था एंड आधे घंटे गेमिंग के बाद फोन का बॉडी टेम्परेचर 45 डिग्री टच कर चुका है। देख सकते हो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है 30 मिनट में। Redmi K50i में ओनली 3 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, 37 से 40 डिग्री गया था और ये 35 से 45 डिग्री। एंड बैटरी ड्रेन भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, 86 से 73 पे दिख रहा है, 13% बैटरी ड्रेन हुआ है 30 मिनट में। K50i में 11% बैटरी ड्रेन हुआ था, यानी आपको एक घंटे में 4-5% ज्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिल सकता है GT10 Pro में K50i से। चलो अब स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट। दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 बेस्ड ओएस पे रन कर रहा है, दोनों स्मार्टफोन 8GB रैम वेरिएंट है, एक तरफ है Dimensity 8050 और दूसरी तरफ Dimensity 8100। गाइस सेटिंग्स ओपन करने में K50i ने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, अब अबाउट फोन ओपन करके रख लेता हूँ, मल्टीटास्किंग में देखेंगे दोनों स्मार्टफोन कैसे मैनेज करता है। गाइस YouTube स्लाइटली पहले ओपन किया GD ने, ऐसा मुझे फील हुआ, अब एक रील ओपन करके रख लेता हूँ। मल्टीटास्किंग में हम वापस से चेक करेंगे सारे कंटेंट को दोनों स्मार्टफोन कैसे मैनेज करता है, कैसे हैंडल करता है। ओके, इंस्टा में थोड़ा क्विक दिखा Redmi K50i।
गाइस प्ले स्टोर में अगेन थोड़ा स्लो दिखा रेडमी K50i। नॉर्मल एप्स में थोड़ा क्विक दिख रहा है GT10 Pro, बट स्पीड का जो डिफरेंस है वो हमें गेम्स ओपन करने के बाद पता चलेगा। चलो गेम स्टार्ट करते हैं। पहला गेम एंग्री बर्ड 2। गाइस पहले गेम में ही Redmi K50i थोड़ा स्लो दिखा, पूरा 8 सेकंड ज्यादा लिया गेम ओपन करने में। नाउ अगला गेम मार्वल का स्नैप। अगेन गाइस Redmi K50i थोड़ा स्लो रह गया। अब ट्राई करते हैं अगला गेम सुपर मारियो। गाइस अगेन सेम रिजल्ट, फिर से कुछ 2-3 सेकंड्स पीछे रह गया Redmi K50i। सिंपली फास्टर फील हो रहा है यहाँ पे GT10 Pro K50i से। नाउ अगला गेम ट्राई करते हैं फ्री फायर मैक्स। ओके इस बार दोनों क्लोज था, लेकिन फिर से कुछ आधा सेकंड पीछे रह गया होगा Redmi K50i। नाउ अगला गेम ट्राई करते हैं Genshin Impact। फाइनली एक गेम पहले ओपन कर लिया Redmi K50i ने Genshin Impact। नाउ अगला गेम कॉल ऑफ ड्यूटी। सैड, फिर से पीछे रह गया Redmi K50i, इस बार कुछ 4 सेकंड्स ज्यादा लिया कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करने में। नाउ BGMI। वाओ क्लोज था इस बार दोनों, लेकिन फिर से Redmi K50i थोड़ा सा स्लो रह गया, थोड़ा पीछे रह गया। गाइस गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो थोड़ा सा बेटर है Redmi K50i, हीटिंग भी कम होता है, बैटरी ड्रेन भी कम होता है। बट स्पीड की अगर बात करूं तो GT10 Pro ज्यादा फास्टर स्मार्टफोन है K50i से। चलो अब चेक करते हैं दोनों स्मार्टफोन का मल्टीटास्किंग रैम मैनेजमेंट। मल्टीटास्किंग में दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस अच्छा था, बट अगर दोनों को कंपेयर करूं तो थोड़ा सा बेटर दिखा GT10 Pro। एक गेम एक्स्ट्रा मैनेज कर लिया और एक ऐप का कंटेंट भी एक्स्ट्रा मैनेज कर लिया GT10 Pro ने। गाइस दोनों स्मार्टफोन के रीड एंड राइट स्पीड की अगर बात करूं तो रीड एंड राइट स्पीड दोनों Redmi K50i का ज्यादा दिख रहा है, वो भी अच्छे मार्जिन से। गेमिंग परफॉर्मेंस पे हमने बात कर लिया, स्पीड देख लिया, अब चलो दोनों स्मार्टफोन का वीडियो रेंडरिंग में परफॉर्मेंस चेक करते हैं काइनमास्टर ऐप यूज करके। दोनों ही स्मार्टफोन में दो सेम फाइल मैंने ट्रांसफर कर लिया है। दोनों स्मार्टफोन में आप 4K 60fps पे वीडियोस एडिट कर सकते हो। तो चलो सेम सेटिंग्स अप्लाई करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन वीडियो रेंडर करने में कितना टाइम लगाता है। इस बार Redmi K50i थोड़ा तेज दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि टास्क पहले कंप्लीट कर लेगा। एंड 5 मिनट 42 सेकंड्स में टास्क कंप्लीट कर लिया K50i ने। देखते हैं GT कितना टाइम लेता है। सेम टास्क को कंप्लीट करने में GT10 Pro ने कुछ 1 मिनट ज्यादा लिया, 6 मिनट 50 सेकंड्स लगा इसको सेम टास्क कंप्लीट करने में। दोनों स्मार्टफोन में जियो 5G सिम लगा है। चलो प्ले स्टोर से 500 MB के आसपास का गेम डाउनलोड करके देखते हैं। गाइस 5G नेटवर्क स्पीड में भी Redmi K50i मच फास्टर दिख रहा है, एंड 32 सेकंड्स लगा इसको 100% गेम डाउनलोड करने में, एंड टोटल टाइम लिया इसने 49 सेकंड्स। GT10 Pro बहुत ज्यादा पीछे रह गया, 473 MB का गेम डाउनलोड करने में 100% इसने 1 मिनट 45 सेकंड्स ले लिया, एंड टोटल टाइम की अगर बात करो तो इसको टोटल टाइम लगा 1 मिनट 54 सेकंड्स। एंटूटू स्कोर की अगर बात करो तो GT10 Pro का स्कोर 6,60,000-70,000 के आसपास आ जाता है, लेकिन अभी स्कोर थोड़ा सा कम आया। अगर दोनों स्मार्टफोन के एंटूटू स्कोर को कंपेयर करें तो कुछ 78,000 स्कोर ज्यादा दिख रहा है Redmi K50i का। CPU स्कोर कुछ 35,000 ज्यादा दिख रहा है Redmi K50i का, एंड GPU स्कोर कुछ 27,000-28,000। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन CPU, GPU स्कोर या फिर टोटल स्कोर K50i का ज्यादा दिख रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, ये है दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट Geekbench 6 का स्कोर। सिंगल कोर का स्कोर Infinix GT10 Pro का ज्यादा दिख रहा है, वो भी अच्छे मार्जिन से, एंड मल्टी कोर का स्कोर K50i का ज्यादा दिख रहा है, अगेन ये भी बहुत अच्छे मार्जिन से। गाइस बहुत सारा टेस्ट कर लिया, चलो अब दोनों स्मार्टफोन में 15 मिनट 50 थ्रेड्स का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखते हैं
थ्रॉटल किसमें ज्यादा होता है। वैसे मुझे पता था कि किसमें ज्यादा होगा, GT10 Pro में 59% एंड Redmi K50i मच बेटर दिख रहा है 85%। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो K50i का परफॉर्मेंस GT10 Pro से ज्यादा दिख रहा है, वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से, एंड जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो भी K50i का ज्यादा दिख रहा है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग Redmi K50i का जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो GT10 Pro के मैक्स परफॉर्मेंस से ज्यादा दिख रहा है। गाइस दोनों स्मार्टफोन के गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप, हीटिंग, स्पीड, रैम मैनेजमेंट, थ्रॉटलिंग एंड 5G नेटवर्क के बारे में आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए iPhone Unbox।